Hello dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation या TENS के बारे में already मेरे channel में मैंने दो videos publish किए हुए थे. उनमें मैंने दो ये बताया हुआ था कि indication होता है TENS का mainly to offer pain relief और contraindications भी एक आध मैंने mention किए थे. लेकिन एक व्यूअर का रिक्वेस्ट आया है कि मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस में थोड़ा और लाइट डालूं, तो ये वीडियो है डेडिकेटेड टू इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. जैसे बेसिकली मैंने आपको कहा कि टेंस का एम होता है टू रिड्यूस पेन, और पेन रिडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ गेट कंट्रोल थियरी एज वेल एज डिसेंडिंग पेन सप्रेशन थियरी. गेट कंट्रोल थियरी क्या होता है, डिसेंडिंग पेन सप्रेशन थियरी क्या होता है, इस बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर बच्चों को ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है. जब मैं स्टूडेंट थी मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हुआ करती थी, तो मैंने कोशिश की है कि एक सिंप्लीफाइड वे में इन दोनों कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाया जाए. सो मेक श्योर यू चेक दोज वीडियोस. अब मैं ये कह रही थी कि जो पेन रिलीफ टेंस करवाता है उसका फ़ायदा इन कंपैरिजन टू पेन मेडिकेशंस या जो भी एनाल्जेसिक्स लेते हैं लोग, उससे ये है कि पेन मेडिकेशंस से अक्सर कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. टेंस के एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें. इंडिकेशंस से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, क्योंकि गलत जगह पर अगर हमने टेंस या किसी भी इलेक्ट्रोथेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी मोडालिटी का इस्तेमाल कर दिया, तो हो सकता है जो भी अच्छा होना था आपके पेशेंट के साथ उससे ज़्यादा कुछ बुरा हो गया. सो मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एज वेल एज इंडिकेशंस. तो आपको जानने ही है टू नो दैट इस मोडालिटी को कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है. सो जैसे कि आपको पिछले दो वीडियो से ये समझ आ गया था कि टेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर टेंस एक बहुत ही एडजस्टेबल मशीन है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको एडजस्ट करके आप पेशेंट को पेन रिलीफ पहुंचा सकते हैं. तो इंडिकेशंस अगर हम कहें टेंस का मेनली होता है एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक पेन में मेनली टेंस हम यूज़ करते हैं, और ये पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ सम ऑपरेशन. सो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसे यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल TKR, THR या सी सेक्शन के बाद. ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसे यूज़ किया जा सकता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी टेंस यूज़ किया जा सकता है. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ किया जा सकता है. पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर टेम्परोमेंडिबुलर जॉइंट पेन वगैरह में भी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. फाइब्रोमायल्जिया या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, इनमें भी देखा गया है कि टेंस कई हद तक पेन को कम करने में मदद करता है. रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग प्राइमरी डिसमेनोरिया में भी टेंस काफ़ी यूजफुल होता है. डिसमेनोरिया यानी कि जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त वीमेन को, उस दौरान भी ये टेंस काफ़ी हद तक पेन रिलीफ कर सकता है, प्रोवाइडेड उस महिला का जो पेन है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर पेल्विक पैथोलॉजी. सो बहुत ज़रूरी है पहले वो रूल आउट किया जाए. अगर पेन सिर्फ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है तो आप टेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी न्यूरोजेनिक पेन में या रेडिकुलोपैथी में या स्पोर्ट्स इंजरी में भी आप टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बेसिकली किसी भी मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोजेनिक पेन के केस में आप टेंस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का सही तरीके से पता हो. सो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आपको अनडायग्नोस्ड पेन के केस में टेंस नहीं देना चाहिए. मैं कह रही हूँ आप पेन में दे रहे तो आपको अगर पता ही नहीं है कि उस पेन का रीज़न क्या है, फिर आपको टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दिस पेन इज़ बिकॉज ऑफ सम मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूरोप्लास्टिक कंडीशंस. तो ऐसे में टेंस देने से अच्छा करने से ज़्यादा आप उस पेशेंट का बुरा कर सकते हैं. सो इससे क्या हो सकता है कि कैंसर दूसरी जगह फैल सकता है या कोई और तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. सो प्रोवाइडेड पेन डायग्नोज नहीं है, किस रीज़न से पेन हो रहा है ये आपको पता नहीं है, ऐसे केसेस में आपको टेंस नहीं देना है. दूसरी बात है वो पेशेंट्स जो आपसे कॉपरेट नहीं कर पाए हैं बिकॉज पेशेंट को आपकी जो भी कमांड है या जो भी आप उनको समझाना चाहते हैं वो नहीं समझा पा रहे हैं, ऐसे में भी आपको टेंस नहीं देना चाहिए.
क्योंकि पेशेंट का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है टू एंश्योर सेफ्टी इन एनी केस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी. सो प्रोवाइडेड दैट इज नॉट प्रेजेंट, आपको टेंस नहीं देना चाहिए. तीसरी बात है, प्रेगनेंसी में टेंस नहीं देना चाहिए. एक प्रेग्नेंट वूमन के एब्डोमेन में या फिर ट्रंक में, यानी कि लोअर बैक में या फिर पेल्विक एरिया में, अपर थाइज में या फिर नी या एंकल के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में टेंस देने के लिए मना किया जाता है. हालांकि रिसेंटली कुछ स्टडीज आ रहे हैं जो इस बात की एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं या इस बारे में और रिसर्च कर रहे हैं. सो आगे हमें पता चलेगा कि क्या यह सच में अनसेफ है, बट फॉर नाउ प्रेगनेंसी में आप टेंस ना ही दें. पेसमेकर या ICD यानी कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इन दोनों टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स के केस में आपको टेंस नहीं देना चाहिए. पेसमेकर क्या होता है आपको पता है. ICD होता है एक ऐसा मशीन जो आपके पेशेंट के हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, और प्रोवाइडेड कुछ एरिथमिया हुआ या कुछ ऐसा कुछ इरेगुलरिटी हुआ, फिर इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करके पेशेंट के रेगुलर हार्ट बीट को ये रेगुलराइज करता है या रिस्टोर करता है. पेसमेकर या ICD के केस में अगर आप टेंस अप्लाई करते हैं, खासकर ओवर द चेस्ट एंड ट्रंक एरिया ऑफ द पेशेंट, तो हो सकता है इन डिवाइसेस की एक मेलफंक्शनिंग हो और वो एरिथमिया को डिटेक्ट ना कर पाए. इससे आपके पेशेंट की जान भी जा सकती है. सो इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. मेटल इम्प्लांट्स के केस में भी टेंस मना किया जाता है लोकली इन दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि मेटल होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ऐसे में इट कैन डू हार्म देन गुड. सो ये भी आपको अवॉइड करना है. अगर आपके पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई इनड्वेलिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर या फिर बोन स्टिमुलेटर हो, ऐसे केसेस में भी उनकी मेल फंक्शनिंग हो सकती है अगर टेंस का एप्लीकेशन किया जाए. सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अगर एक पेशेंट को ब्लीडिंग या हेमोरेजिक डिसऑर्डर है, ऐसे में भी टेंस देने के लिए मना किया जाता है, कि क्योंकि टेंस से एक सर्कुलेशन में बढ़ोतरी देखी जाती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग की मात्रा बढ़ सकती है. अगर आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे में भी आपको टेंस नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट माइट लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन. सो यू विल डू हार्म देन डूइंग गुड. इसके अलावा आपके पेशेंट को अगर कोई डर्मेटोलॉजिकल लीजन्स है या फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इचिंग है जैसे डर्मेटाइटिस हो गया या फिर इक्जेमा, तो लोकली उस पर्टिकुलर एरिया में आपको पेशेंट को टेंस नहीं देना चाहिए. दैट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट में या फिर कैरोटिड साइनस के ऊपर भी टेंस नहीं देना चाहिए. इसके अलावा अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है, तब भी आपको टेंस नहीं देना चाहिए, इससे उनको सीजर होने का खतरा होता है. अगर स्किन की सेंसेशन सही नहीं हो, तब भी टेंस देने से आप परहेज कीजिए. इसके अलावा डिमेंशिया के पेशेंट्स को भी टेंस नहीं देना चाहिए. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी टेंस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, क्लॉट का डिसलॉजमेंट हो सकता है, और इससे कई जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो इस केस में भी आपको टेंस नहीं देना चाहिए. पेशेंट के आंखों के ऊपर और चेस्ट के ऊपर भी टेंस ना दें. या आपको पता है किसी तरीके की मैलिग्नेंसी या न्योप्लास्टिक टिश्यू है, ऐसे केसेस में भी टेंस देने से परहेज करें. सो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखेंगे, तो टेंस एक बहुत ही सही और यूजफुल पेन रिलीविंग मोडालिटी है. कुछ केसेस में हो सकता है, रेयर केसेस में कुछ साइड इफेक्ट हो, फॉर एग्जांपल बर्न्स हो सकते हैं बिलो द इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे आपने प्लेस किया है उस एरिया में बर्न्स हो सकते हैं. ये इसलिए कहा जाता है कि आपको पेशेंट का स्किन सेंसेशन पहले से ही जांच लेना चाहिए. दूसरी बात है, कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो सकता है, एलर्जी टू द एडहेसिव टेप जिससे आप इलेक्ट्रोड को स्किन में चिपका रहे हैं, या फिर जो भी आप जेल यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है. सो इस तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस भी कई बार साइड इफेक्ट की तरह होते हैं और पेशेंट का स्किन लाल सा हो जाता है, नॉर्मल एलर्जी में जैसा होता है वैसा. और कुछ पेशेंट्स के केस में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिकॉज आप एक इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी दे रहे हैं और पेशेंट को कुछ टिंगलिंग सा फील होने वाला है, तो पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दे मे नॉट कंप्लाई टू द ट्रीटमेंट. स्पेशली लो टेंस के केस में ये प्रॉब्लम बहुत देखा जाता है. तो मैं साइड इफेक्ट तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, हो सकता है कुछ पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट ना भाए, तो ऐसे केस में आप इस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें ना दें. आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कब आपको टेंस देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और रेयर केसेस में कैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें,
और अपने सीनियर्स जूनियर्स और फ्रेंड्स में मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आप सब के लिए वैल्यूएबल हैं. थैंक यू सो मच. सी यू सून.